गाजा में लगभग एक साल तक हमास के साथ लड़ने के बाद अब इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के साथ नया मोर्चा खोल दिया। लेबनान में पेजर विस्फोट के बाद अब इसराइल ने बेरूत में हिजबुल्ला के गढ़ पर बमबारी शुरू कर दी, जिसमें 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच खबर आ रही है कि हवाई हमले के बाद अब इसराइल लेबनान में जमीनी अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बीच ये महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या इसराइल इस समय दूसरा मोर्चा संभाल सकता है। लेबनान में इसराइल का सामना हिजबुल्ला से है, जो ईरान का सबसे ताकतवर प्रॉक्सी है। हिजबुल्ला की ताकत को समझने से पहले ये ध्यान देना जरूरी है कि हमास के खिलाफ करीब एक साल से जारी लड़ाई ने इजरायली सेना पर बहुत दबाव डाला है। सैनिकों को बहुत आराम मिल रहा है। इजरायली अधिकारी सैनिकों की कमी का हवाला दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है और युद्ध विराम और बंधक समझौते के लिए जनता का दबाव बढ़ रहा है। हमास के इसराइल पर घातक हमले के अगले दिन से ही हिजबुल्ला और इजरायली सेना के बीच बॉर्डर पर गोलीबारी हो रही है। पिछले सप्ताह ये तनाव चरम पर पहुंच गया जब इसराइल ने हिजबुल्ला के इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोट करके हजारों लोगों को घायल कर दिया। इसके बाद से दोनों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए। इस बीच विशेषज्ञों का कहना है कि इसराइल अगर हिजबुल्ला के साथ सीधे युद्ध में उतरता है तो उसके लिए ये जंग हमास के साथ हुए मुकाबले से बहुत अलग होगी। विशेषज्ञों ने इसराइल को कीमत चुकाने के लिए तैयार रहने को कहा है। योल गुजांस्की तेल अविव स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्थान में वरिष्ठ शोधकर्ता हैं। वे 3 प्रधानमंत्रियों के अधीन इसराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में काम कर चुके हैं। उनका मानना है कि हिजबुल्ला देश के अंदर एक अलग देश है, जिसके पास विशिष्ट सैन्य क्षमता है। ईरान के सबसे करीबी प्रॉक्सी के रूप में शिया चरमपंथी समूह हिजबुल्ला ने पिछले कुछ सालों में न केवल एडवांस हथियारों का प्रदर्शन किया है, उसने यमन और इराक समेत मध्य पूर्व में अपने सहयोगियों के साथ इसराइल के खिलाफ एक रणनीतिक घेरा भी बनाया है। सैन्य विशेषज्ञों का अनुमान है कि हिजबुल्ला के पास 30,000 से 50,000 लड़ाके हैं। हालांकि इस साल हिजबुल्ला नेता हसन नसरल्ला ने दावा किया कि समूह के पास 1,00,000 से ज्यादा लड़ाके और रिजर्व सैनिक हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक समूह के पास 1,20,000 से 2,00,000 रॉकेट और मिसाइल मौजूद है। हिजबुल्ला का सबसे बड़ा सैन्य हथियार बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके हजारों में होने का अनुमान है। इनमें 250 से 300 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली 1,500 मिसाइलें शामिल हैं। बीते सप्ताह के आखिर में हिजबुल्ला ने कहा कि उसने फादी 1 और फादी 2 मिसाइल से इसराइल के रामत डेविड एयरबेस को निशाना बनाया। ये बेस लेबनान सीमा से 48 किलोमीटर अंदर है। इसराइल के पास हिजबुल्ला के मुकाबले बहुत बेहतर सैन्य शक्ति है, लेकिन ईरान समर्थित समूह के पास 500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मिसाइलें हैं। ये पूरे इसराइल को कवर कर सकता है। हालांकि इसे इसराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास करना होगा। इसराइल एक छोटा सा देश है और इसकी सैन्य शक्ति असीमित नहीं है। गुजांस्की ने इसराइल की चुनौती का जिक्र करते हुए बताया कि लेबनान की ओर संसाधनों को मोड़ने का मतलब ये नहीं है कि गाजा युद्ध खत्म हो गया है। इसराइली विश्लेषकों और सेना के अधिकारियों ने भी बार बार कहा है कि IDF कमी से जूझ रहा है। हमास के साथ युद्ध की शुरुआत में IDF ने 2,95,000 रिजर्विस्ट की भर्ती की, लेकिन ये संख्या अपर्याप्त साबित हो रही है। ऐसे में हिजबुल्ला के खिलाफ जमीनी जंग शुरू करने में इसराइल को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।